आज हम देखेंगे रैशनलाइजेशन टॉपिक को। रैशनलाइजेशन में आपको कई फ्रेज में सिखाऊंगा, जैसे मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। तीन फ्रेज में मैं आपको रैशनलाइजेशन समझाता हूँ। जैसे फर्स्ट हम लोग मोनोमियल का रैशनलाइजेशन देखते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब है, अगर आपको कोई पी बाई की फॉर्म में नंबर मिलता है, लाइक दिस एक नंबर मिला है, तो जो इसका क्यू वाला पोर्शन है, रूट ओवर टू, डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट होता है, उसमें से रूट को रिमूव करना, इसी प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो अभी जैसे मुझे रैशनलाइजेशन करके मुझे रूट टू हटाना है, तो आप एक छोटा सा सम देखो। जैसे रूट टू है, अगर मुझे इसमें से रूट टू रूट को रिमूव करना है, तो मैं इसके साथ एक और रूट टू मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि रूट टू और रूट टू होता है रूट ओवर टू होल स्क्वायर, एंड होल स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं। जानते हो कैसे कैंसिल हो जाता है रूट और स्क्वायर? जी नहीं, पावर एंड एक्सपोनेंट का ये रूल है, क्योंकि रूट ओवर टू का मतलब होता है, रूट ओवर टू का मीनिंग समझा रहा हूं मैं, रूट ओवर टू का मीनिंग होता है 1/2, और उसके ऊपर एक और पावर है स्क्वायर, तो आप उस स्क्वायर को आप दूसरे ब्रैकेट डाल के लिखो। अभी आपने लॉ एंड एक्सपोनेंट में तो सीखा ही होगा कि एक ही बेस पे अगर दो दो पावर हो तो हमें क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो हम इस दो दो पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से आपको ये कैंसिल करने को मिलेगा, क्या बचा आपको 1 बचा ना, तो 2^1 मतलब क्या 2, मतलब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। हम इतना इसको इलाबोरेटली दिखाते नहीं है, हम सिर्फ इतना कर देते तो हो जाता, क्लियर ये? तो मुझे रूट टू को अगर रैशनलाइज करना है, मतलब 2 के ऊपर से मुझे रूट हटाना है, तो मुझे एक रूट टू से मल्टीप्लाई करना पड़ा। उसी तरह से अगर मेरे को रूट 3 मिलता तो मैं क्या मल्टीप्लाई करता, रूट 3 मल्टीप्लाई करता। अगर मेरे को 2√3 मल्टीप्लाई करने को, मतलब 2√3 दिया होता तो मैं क्या मल्टीप्लाई करता, तो भी मैं सिर्फ रूट 3 करता, इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, मैं तो रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ। रैशनलाइजेशन का काम क्या होता है, रूट को रिमूव करना। क्या 2 के ऊपर रूट है तो मुझे उसके लिए कोई सोचना नहीं है, क्योंकि रैशनलाइजेशन प्रोसेस का काम है रूट को रिमूव करना। किस में रूट है आप उसको देखो ना, आप उसको रैशनलाइज करो, 2 के पीछे क्यों पड़े हो, 2 में तो रूट नहीं है, तो 2 को हम रैशनलाइज नहीं करेंगे, 2 की हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ रूट 3 को करेंगे। तो सिर्फ मैं रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और साथ में क्या है, 2 है, 2 को तो हम कॉपी कर लेंगे, एंड रूट 3 इंटू रूट 3 जैसे मैंने दिखाया, रूट 2 इंटू रूट 2, ये 2 रूट, मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 फाइनली कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, रूट 5 इंटू रूट 5 करेंगे तो हाँ ऐसे करके। तो ये है मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस, आपने समझ लिया मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। ओके, अभी मुझे सपोज इसको रैशनलाइज करना है, मतलब मुझे डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करना है, तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा, रूट। बट फ्रैक्शन का रूल है, अगर आप नीचे करते हो तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, राइट, क्लियर? तो बन जाएगा 2 ऊपर रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो नीचे से रूट हटाना है, तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितने हो जाएंगे, 2। सो नीचे से हमने रूट को हटा दिया, ऊपर रूट आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये मोनोमियल था, ठीक है। एक और सम हम लोग देख लेते हैं, जैसे 2√7, ये मोनोमियल है, एक और बात, ठीक है। अब आप देखो रूट किस में है, 7 में, 2 में तो नहीं है ना, तो मुझे 2 के बारे में नहीं सोचना, ठीक है, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 7 से मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब नीचे जितने से करोगे आप ऊपर भी उतने से ही करो, तो रूट ओवर 7 अपन 2 को आप कॉपी करो, एंड रूट 7 इंटू रूट 7 डायरेक्टली लिख लो, तो जाएंगे रूट ओवर 7 बाय 40 माइनस। ओके, इस तरह से हम मोनोमियल में परफॉर्म करते हैं, किस तरह से हमने डिनोमिनेटर से रूट हटाना है। ओके, ये था मोनोमियल। अब मैं बायनोमियल आपको दिखाता हूं। बायनोमियल जैसे कि मान लो रूट 3 माइनस रूट 2। अच्छा, बायनोमियल करने से पहले आप ये समझ लो, बायनोमियल में रैशनलाइज करने के लिए आपको एक फॉर्मूला का मदद लेना पड़ता है, वो फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, हाँ, ये फॉर्मूला हमें मदद देगा। मुझे इसका मतलब है, अगर बायनोमियल आपको कभी a प्लस बी फॉर्म में मिले तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी फॉर्म से। अगर आपको a माइनस बी फॉर्म कहीं पर मिले तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी फॉर्म से। ओके, मल्टीप्लीकेशन का जो फैक्टर है वो आपको ऐसे सिलेक्ट करना है, अगर आपको a प्लस बी मिले तो आपका फैक्टर होगा a माइनस बी, a माइनस बी मिले तो आपको a प्लस बी। अब आप देखो आपको कौन सा मिल रहा है, a माइनस बी,
बीच में माइनस है तो आपको ए माइनस बी मिल रहा है, मतलब आप ये सेकेंड वाला फॉलो करोगे। अगर आपको ए माइनस बी मिल रहा है तो आप मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस बी। ओके क्लियर, आप इस तरह से रेशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढोगे। समझ में आ गया? इससे क्या होता है, ये जो फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर आता है ना वो ए के ऊपर है, इधर भी स्क्वायर किसके ऊपर है, बी के ऊपर है। तो अगर a के ऊपर या फिर b के ऊपर रूट हुए तो वो स्क्वायर उस रूट को रिमूव कर देगा। ओके लेकिन अगर सपोज ये कुछ ऐसा होता a माइनस बी होल स्क्वायर, तो फिर अगर इनमें रूट होते ना, इनमें अगर रूट होते ये स्क्वायर उसको हटा नहीं पाता। मेरा बात समझ पा रहे? अगर मुझे इन इंडिविजुअल रूट्स को हटाने हैं तो मुझे होल स्क्वायर नहीं, मुझे अलग अलग स्क्वायर चाहिए, और वो सिर्फ इसी फॉर्मूला में मिलता है। और कोई फॉर्मूला में हमें अलग अलग से सेपरेट सेपरेट स्क्वायर नहीं मिलते। सेपरेट सेपरेट क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे पास जो नंबर है उन नंबर्स में सेपरेट सेपरेट रूट भी तो है। ओके तो इनमें रूट अगर सेपरेट है, हमें स्क्वायर भी दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट चाहिए, इसके लिए अलग स्क्वायर, उसके लिए अलग स्क्वायर। अब ऐसा स्क्वायर हमें सिर्फ यही आइडेंटिटी दे सकता है। समझ पाए? और कोई आइडेंटिटी ऐसा नहीं है जो हमें सेपरेट सेपरेट स्क्वायर दे। ओके क्लियर, तो हम इसे अभी रेशनलाइज करेंगे। अभी मैंने आपको समझा दिया कि a माइनस बी हो तो हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या यूज करना चाहिए, a प्लस बी। तो इसका a प्लस बी फॉर्म होगा रूट थ्री प्लस रूट टू। आप नीचे जितना मल्टीप्लाई करोगे आप उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। ओके क्लियर हाँ। अच्छा अब नीचे वाला तो आप आइडेंटिटी सॉल्व कर लो, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। और ऊपर क्या करेंगे, वन इंटू दिस, आप जानते हो ना वन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम ही आ जाते हैं, तो हम इसको सेम कॉपी कर लेंगे थ्री रूट थ्री प्लस रूट टू। ओके क्लियर, हम आगे करते हैं। अब रूट थ्री प्लस रूट टू वो सेम रहेगा, लेकिन नीचे अब मैं थ्री का रूट थ्री का स्क्वायर करूंगा। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि अगर हम कभी स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ थ्री मिलेगा। तो मुझे इसका तो थ्री मिलेगा, उसका मुझे क्या टू मिलेगा, एंड थ्री माइनस टू हाउ मच वन ना, अब मुझे वन लिखना जरूरी है कि नहीं, तो आप सिर्फ इतना ही लिखो ये आपका आंसर है। ठीक है, रूट थ्री प्लस रूट टू, ये तो बाइनोमियल। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बाइनोमियल देखते हैं। ठीक है, जैसे रूट थ्री प्लस रूट टू ये और नीचे ये मैंने सवाल ले लिया, कोई सा भी रैंडमली सवाल सिलेक्ट कर लिया। अब ऊपर क्या है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता नीचे, मुझे नीचे रूट नहीं चाहिए। और इस रूट्स को हटाने का जो रूल होता है उसी रूल का नाम है रैशनलाइजेशन। ओके हम इसके रूट्स हटाएंगे, नीचे से रूट हटाएंगे। ओके मेरे को क्या फॉर्म मिल रहा है, ए माइनस बी। मैंने आपको कहा जब भी आपको ए माइनस बी फॉर्म मिले तो आप इसमें ए प्लस बी मल्टीप्लाई करो ताकि आपको फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल सके। तो मेरे को a माइनस बी मिल रहा है, तो a माइनस बी के लिए मुझे सिलेक्ट करना है a प्लस बी। ओके तो थ्री रूट ओवर थ्री प्लस टू रूट ओवर टू, थ्री रूट ओवर थ्री माइनस टू रूट ओवर टू मल्टीप्लाई करेंगे हम a माइनस बी के साथ, मुझे मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी, a माइनस बी एंड दिस इज a प्लस बी। तो मुझे सेम चीज ऊपर भी मल्टीप्लाई करना, थ्री रूट टू प्लस टू रूट टू। ओके तो नीचे तो a माइनस बी ए प्लस बी, सी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे क्या आएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मीन्स वन, थ्री रूट ओवर थ्री, ए स्क्वायर मीन्स दिस एंड माइनस देन बी स्क्वायर, बी मतलब दिस, तो बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर। अब हम ऊपर वाला देखेंगे। ओके सी ऊपर वाला जब हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हमें दो सेम चीज मिल रहा है, राइट ये भी सेम है, मतलब इधर जितना मेंशन किया हुआ है उतना ही सेम, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है, है ना।
अरे सॉरी ये मैंने मिस्टेक की है, तो कुछ भी डिफरेंस यहाँ नहीं है राइट। तो a प्लस बी मैं इसे बोल सकता हूँ, यहाँ पर इसको मैं क्या बोलूँ a प्लस बी। अच्छा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को क्या मैं लिख सकता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये और ये सेम है, a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी को ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दो सेम चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं उसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके अच्छा, आप लोगों ने तो ये आइडेंटिटी देखा ही होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला लिखता हूं इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, लेकिन अगर यहाँ माइनस हो तो टू ए बी माइनस हो जाएगा। ये आइडेंटिटी हम इस आइडेंटिटी को इसमें अप्लाई करेंगे। ओके ओके, ए स्क्वायर मीन्स थ्री रूट ओवर थ्री होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स टू रूट ओवर टू होल स्क्वायर, प्लस टू ए बी मतलब टू इंटू ए ए हो गया एंड टू बी हो गया, ये टू ए बी हो गया, टू इंटू ए इंटू बी। ओके नीचे हमने जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया था उसे हम सॉल्व करेंगे। ओके अब मैं इसको आपको सॉल्व करना सिखाता हूं, ठीक है, थ्री रूट ओवर थ्री होल स्क्वायर मुझे इसको सॉल्व करना है। ओके मेरा फोर्ट कर रहा हूं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। अब ये जो स्क्वायर है ना इसको आप ऐसे सोचो, थ्री के ऊपर अलग रूट थ्री के ऊपर अलग, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक थ्री है एक रूट थ्री है, आपको स्क्वायर करना है, दोनों का स्क्वायर करना है। अब इसको सेपरेटली कैलकुलेट करो, रूट थ्री थ्री को अलग करो, रूट थ्री को अलग करो, थ्री का स्क्वायर कितना होता है एंड रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है थ्री, नाइन थ्री से कितने होते हैं 27 होता है। अब क्या आप इसी कैलकुलेशन को इसके लिए मेंटली कर सकते हो, टू रूट टू होल स्क्वायर के लिए टू का स्क्वायर कितना, टू का स्क्वायर फोर एंड रूट टू का स्क्वायर कितना टू, फोर टू से कितने एट, तो हमें यहां पर मिल रहा है 27, बीच में माइनस साइन है और इसमें मुझे एट मिल रहा है। ओके क्लियर, हाँ अच्छा, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। यहां पर भी आपको रिटर्न मिल रहा है थ्री रूट ओवर थ्री होल स्क्वायर, तो हमने इसको कितना सॉल्व किया था अभी अभी, ये वही आंसर है ना, ये चीज और ये चीज में कोई फर्क है क्या, इसका आंसर हमें 27 मिला, तो ये सही 27, सो 27 प्लस टू रूट टू का हमें क्या मिला 8 मिला। हाँ प्लस हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके इस टाइप की इरेशनल नंबर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार ये मतलब फॉर्मेट ऐसे ही याद रखो, जो बिना रूट वाले नंबर है उसको एक साथ मल्टीप्लाई करो, रूट वाले नंबर अलग मल्टीप्लाई करो, बिना रूट वाले हैं टू थ्री और थ्री। ओके इनको मल्टीप्लाई करते हैं, टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स इंटू टू 12। अच्छा अब रूट वाले नंबर अलग मल्टीप्लाई करो, रूट वाले नंबर रूट थ्री एंड रूट टू, रूट थ्री इंटू रूट टू, रूट थ्री इंटू रूट टू रूट सिक्स। ओके रूट थ्री इंटू रूट टू मतलब कंबाइंड रूट ओवर थ्री इंटू टू, दोनों का सेम रूट है तो कंबाइन हो जाते हैं, थ्री इंटू टू कितना होगा रूट ओवर सिक्स, सही। हाँ तो हम यहां पर लिख देंगे कितने आए थे यहां पर, बाहर कितने आ रहे थे 12 आ रहे थे, 2 इंटू थ्री इंटू टू बिना रूट वाले नंबर 12 आ रहे थे और रूट वाले नंबर रूट सिक्स आ रहे, तो हम लिखेंगे यहां पर 12 रूट ओवर सिक्स, क्लियर। हाँ अच्छा अब हम डिनोमिनेटर वाले पार्ट करेंगे, थोड़ा और कैलकुलेशन हम यहां कर लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इन दोनों को ऐड करो, कितने आ रहे 25 प्लस 8 35। ओके मैं यहां पर इसे 35 लिख देता हूं, 27 प्लस 8 35 और डिनोमिनेटर हम इसे माइनस कर देते हैं, 27 माइनस 8 19, तो हम नीचे लिख देंगे 19। इस दफा ये अपने बायनोमियल देख लिया,